हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम कैसा बनना चाहिए NABH के अकॉर्डिंग, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, उनको आपको फॉलो करना है और आपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को बनाना है अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इमरजेंसी का ही बनना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूं, तो आप मुझे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को लेके सपोर्ट कर सकते हैं। आप जब भी आप अपनी वीडियो खोलेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन करके एक बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास मेंबरशिप के कुछ हाइलाइट्स खुलेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है NABH 5th एडिशन के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो है आपका सेकेंड चैप्टर में COP 2। ठीक है, COP 2 में आई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, वो आपका डायरेक्टली इमरजेंसी डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ये NABH 5th एडिशन के अंदर है और ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये कहता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो है, मतलब आप वहाँ से स्टार्ट करें अपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। हालांकि हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, बट इनिशिएटिव जो है आप लेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। जब भी आपने इसका क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनाना है तो कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो आपने कंसिडर करने हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि आपके क्वालिटी इंडिकेटर्स होंगे, और ये आप 4th एडिशन में भी मॉनिटर करते थे। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके COP 2 में हैं एंड 3 में। मिनिमम आपने इतना तो फॉलो करना ही है अपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को बनाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट के। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो वो है, तो सबसे पहले हम लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट के। तो ये आपका PSQ 3A में भी आएगा, ठीक है, जो कि है रिटर्न टू इमरजेंसी विद इन 72 आवर्स। अब आपको याद आ गया होगा आपने 4th एडिशन में भी इसको मॉनिटर किया, विद सिमिलर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। तो रिटर्न टू इमरजेंसी विद इन 72 आवर्स आपने मॉनिटर करना है। मॉनिटर आप कैसे करेंगे, आपको इसका एक रिकॉर्ड जनरेट करना पड़ेगा जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है विद सिमिलर कंप्लेंट्स, जैसे कि फीवर से ही आ गया, ठीक है। आपने उसको इमरजेंसी 72 आवर्स आपने मेंटेन करना है कि आपके 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, चाहे फीवर हो, वॉमिट हो, किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर आपने इसको मॉनिटर करना है, प्लस इसका रिकॉर्ड भी रखना है, रजिस्टर आप रख सकते हैं। कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि फर्स्ट विजिट के टाइम आपका जैसे नहीं अप्रोप्रिएट हुआ आपका ट्रीटमेंट, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर है, वॉमिट है, छोटी से छोटी चीज़ की वजह से भी अगर पेशेंट इमरजेंसी में दोबारा आता है 72 आवर्स के अंदर अंदर, तो आपने इसको अपने रिकॉर्ड में एंटर ज़रूर करना है, इसको मॉनिटर ज़रूर करना है। और जो भी इस तरीके की आपके पास एंट्रीज होंगी उनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है, उसका RCA और करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर देना है, ठीक है। ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड में ही ना रहे, मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका रूट कॉज फाइंड करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर सूटेबल एक्शंस होता है तो आपने उसको लेना है और इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे। दूसरा जो इंडिकेटर है वो आपका HIC से रिलेटेड है, विच इज़ हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट। तो हैंड हाइजीन कंप्लायंस, ये देखिए, ये मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये यहीं तक ही लिमिट है। आप अगर अपने एडिशनल पैरामीटर्स जो है ऐड करना चाहते हैं कि इससे हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का बेटर हो सकता है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने इतना ही बताया है तो आपने इतना ही लिमिट करके रखना है। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स उठाए हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप इतना भी करेंगे तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इमरजेंसी का ज़रूर बनेगा, ठीक है, अच्छा बनेगा। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट अपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में दिखा सकते हैं, तो आप उसमें एडिशन ज़रूर करें, ठीक है। तो वैसे ही HIC में मैंने एक फैक्टर उठाया है, दैट इज़ हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट।
अब ये आप मॉनिटर तो करेंगे ही और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए आप अलग से करेंगे, क्योंकि आपका जो मेन सोर्स होता है वो हैंड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन का मेन रीज़न होता है वो हैंड से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि आपने हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना है अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी अच्छे से। ओके, एक चीज़ आती है आपकी PSQ-4D में, विच इज़ नियर मिसेस, परसेंटेज ऑफ नियर मिसेस, ठीक है। इसको भी आप मॉनिटर करेंगे अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली। नियर मिसेस को मॉनिटर करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट एक इंडिकेशन हो जाती है आपके क्वालिटी चेक्स के लिए, ताकि आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है वो स्ट्रांग बना रहे इमरजेंसी में, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, एरर डिटेक्ट हो जाते हैं होने से पहले, इसलिए नियर मिस को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप स्पेसिफिकली इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए नियर मिस को मॉनिटर ज़रूर करें। ओवरऑल तो आप करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए अलग से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बताया है, सिमिलरली इसमें भी आप करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे और रूट कॉज करेंगे अगर कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऐसा इंसिडेंट होता है तो। एक आपका आ जाएगा कंप्लायंस रेट टू मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन इन कैपिटल्स, ये आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, आपका कोई क्वालिटी हेड आता है, क्वालिटी मैनेजर आता है, क्वालिटी टीम आती है आपकी पूरी, तो तब मेडिकल रिकॉर्ड्स में आप जैसे देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है कैपिटल में, तो बहुत सारे चांसेस है मेडिकेशन एरर होने के, ठीक है। तो इसीलिए इसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपके हॉस्पिटल का जो स्टार्ट सेक्शन है वो आपका इमरजेंसी ही होता है, ठीक है। हालांकि ओपीडी को हम कहते हैं, बट अभी के लिए हम जो मेन, अगर हम क्लिनिकल साइड कंसिडर करें तो इमरजेंसी इज़ दी मेन डिपार्टमेंट। तो आपने जो कंप्लायंस रेट है इमरजेंसी के लिए अलग से मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल में लिखे हैं कि नहीं, वो अलग से मॉनिटर करेंगे। अब ये तीन तो मैंने छोटे छोटे आपको जैसे इमरजेंसी के लिए इंडिकेटर्स बता दिए, ठीक है। नियर मिस हो गया, हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट हो गया, और मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन हो गई कैपिटल्स में, और रिटर्न टू इमरजेंसी हो गया। तो ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि आप इंक्लूड करेंगे अपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एक कहता है केयर ऑफ पेशेंट्स का 2E, कि आपका जो अप्रोप्रिएट आपका ट्रायड सिस्टम होना चाहिए, और ये बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपका एक वेल प्लान्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आपने पेशेंट्स को अटेंड कैसे करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे आपने उनकी डिवाइडेशन कैसे करनी है, ठीक है, कोडिंग कैसे करनी है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायड सिस्टम होना चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपके क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की। ओके, तो अब आपके पास सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, रिटन गाइडलाइंस होनी चाहिए आपके पास। और इसमें आप क्या कंसिडर करेंगे कि कौन सी मेडिकल कंडीशन को आप इमीडिएट अटेंशन देंगे, ठीक है। मेडिकल कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल अटेंशन कंडीशन, आप किसको इमीडिएट, कौन से पेशेंट को आप इमीडिएट अटेंशन देंगे, ये आपके प्रोटोकॉल में लिखा होना चाहिए, ठीक है। कौन सी जो कंडीशन है वो विद इन 5 मिनट्स आपने अटेंड करनी है, किस तरीके की मेडिकल कंडीशन है जिसको आप 5 मिनट में कंसिडर करेंगे, और किस तरह की मेडिकल कंडीशन को आप वेट कराएंगे 10 मिनट या फिर जो भी आगे होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं एक एक करके डिफाइंड होनी चाहिए आपके उस ट्रायज प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो आप लोग बोर ना हो तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ये हमारा हम पार्ट 1 कंसिडर करेंगे, पार्ट 2 मैं आपको इसके अगले वीडियो में इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए बताऊँगी कि हमारा जो है ये प्रोटोकॉल के बाद की चीज़ें क्या है। तो हमारा ये जो प्रोटोकॉल है वो यहीं पे एंड होता है, इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं अपने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो बने रहेगा मेरे साथ, आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।